नमस्कार, आप देख रहे हैं योर मनी। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और योर मनी में आज हमारा फोकस एनपीएस पर है और एनपीएस की पांच सलाह लेकर आपके तमाम सवालों के जवाब हम देंगे। लेकिन चलिए शुरुआत करते हैं हाईलाइट के साथ। निवेश में छूट तो मिलेगी पर मुनाफा कितना होगा एनपीएस में, रिटायर होने पर कितना मिलेगा रिटर्न, जानिए एनपीएस में निवेश की हर छोटी बड़ी बात। सिर्फ एनपीएस में ही निवेश पर कैसे सुरक्षित करें रिटायरमेंट को, आज बताएगा योर मनी। और अगर एनपीएस की पाठशाला में आप भी कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो अपने सवाल हमें फेसबुक पर दीजिए, क्योंकि फेसबुक पर हम लाइव हैं इस वक्त। कमेंट बॉक्स में अपने सवाल डालिए, हम देंगे आपके सभी सवालों के जवाब। और आपके तमाम सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ शो में शामिल हो रहे हैं वाइसर के सीईओ हेमंत रुस्तगी। हेमंत जी, स्वागत है आपका योर मनी पर। एनपीएस की पाठशाला बेहद खास टॉपिक रहता है हमेशा, क्योंकि एनपीएस को लेकर बहुत सारी ऐसी जानकारी है जो दर्शकों को नहीं पता है। रिटायरमेंट सिक्योर तो हो जाता है, लेकिन जब आप रिटायरमेंट सिक्योर करने की बात करते हैं तो क्या केवल एनपीएस ही एक ऐसा विकल्प है जिसमें आपको निवेश करना चाहिए? क्या रिटायरमेंट जैसे लक्ष्य को भी आपको डाइवर्सिफाई करना चाहिए? इन तमाम सवालों के जवाब हम देंगे। साथ ही एनपीएस पर स्पेसिफिकली सवाल पूछना चाहते हैं तो लाइव है हम इस वक्त फेसबुक पर, अपने कमेंट बॉक्स में जाइए और अपने सवाल डालिए। लेकिन चलिए, एनपीएस मोटा मोटा हम सब जानते हैं कि रिटायरमेंट के लिए आप इसमें निवेश कर सकते हैं और आपको टैक्स छूट मिलती है, लेकिन इसके अंदर भी काफी सारी बारीकियां हैं, जैसे कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप कितना डाल सकते हैं, कितने खाते आपको खोलने चाहिए, किस तरह का निवेश विकल्प आपको चुनना चाहिए। मैं चाहती हूं कि आप एक एक करके इन तमाम मुद्दों पर आज दर्शकों को, निवेशकों को सलाह दें। जी कविता, बिल्कुल। देखिए, सबसे पहली बात तो है कि रिटायरमेंट जो गोल है हम सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट गोल है। और उसके लिए काफी सारे ऑप्शन है हमारे पास इन्वेस्ट करने के लिए। एनपीएस उनमें से एक ऑप्शन है, और मैं कहूंगा कि इसको अगर हम एनालाइज करें तो मैं कहूंगा कि एक अच्छी ऑप्शन है, लेकिन वो सबसे अच्छी है या नहीं वो डिपेंड करता है कि आपके पास और कैसी इन्वेस्टमेंट है और किस तरह की इन्वेस्टमेंट आप करना चाहते हैं। लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली एनपीएस की बात करें तो एनपीएस जो है बेसिकली इसमें दो तीन चीजें ध्यान रखने की, तरह की इन्वेस्टमेंट आप करना चाहते हैं। लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली एनपीएस की बात करें तो एनपीएस जो है बेसिकली इसमें दो तीन चीजें ध्यान रखने की जरूरत है। पहली बात तो ये कि जब आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए तो एनपीएस के अंदर आपको दो तरह के खाते मिलते हैं, सब अकाउंट्स होते हैं, एक टीयर वन और एक टीयर टू। टीयर वन जो है जो आपकी पेंशन और जो टैक्स बेनिफिट जो है वो टीयर वन में आती है, और टीयर टू जो है वो एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। ठीक है, तो और टीयर टू खोलने के लिए आपके पास टीयर वन अकाउंट होना जरूरी है। यानी अगर मुझे एनपीएस में निवेश करना है तो मेरे पास टीयर वन खाता होना बेहद जरूरी है। जी बिल्कुल, सबसे इंपॉर्टेंट वो है, क्योंकि जैसे मैंने कहा पेंशन जो है आपकी उससे जुड़ी होगी, आपका जो रिटायरमेंट कॉर्पस है उससे जुड़ा होगा, और जो टीयर टू है वो जो है इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, और उसके लिए पहले आपके पास टीयर वन होना जरूरी है। तो ये सबसे पहली बात तो ये है। देखिए, एनपीएस के अंदर तीन तरह के मॉडल है, एक है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए और एक है ऑल सिटीजन मॉडल जो 2009 में गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था, 2011 में जो कॉर्पोरेट जो मॉडल है वो इंट्रोड्यूस किया गया था। तो अगर मैं ऑल सिटीजन मॉडल की बात करूं तो इसमें जैसे हमने बात की कि टीयर वन अकाउंट में ये दो सब अकाउंट्स हैं, तो इसमें आपको मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट करनी है साल के अंदर वो 1000 रुपये इन्वेस्टमेंट करनी है। ये 500 और 500 के मल्टीपल में हो सकती है। पहले ये लिमिट जो थी 6000 की थी, उसको घटा के अभी 1000 कर दिया गया है। तो ये आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट करनी है। मैक्सिमम आप कितने भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, लेकिन जो टैक्स बेनिफिट्स जो हैं वो सिर्फ आपको 1.5 लाख और एक 50,000 की जो एडिशनल टैक्स बेनिफिट है उसके ऊपर मिलेगा। ठीक है, ये रूल ये है कि आपका जो 10% आपकी जो सैलरी है यानी जिसमें बेसिक और डीए है उतना आप इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन जैसा मैंने कहा जो लिमिट है टैक्सेशन के लिए वो 1.5 लाख और जो 50,000 की जो एडिशनल है, ये दो लिमिट्स हैं इसके अंदर इन्वेस्ट करने के लिए। ऑलराइट, लेकिन आप जब एनपीएस में निवेश करते हैं तो पहले हम सबको ये पता था कि केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए ये निवेश विकल्प मौजूद था, लेकिन अब हर कोई इसमें निवेश कर सकता है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि आप जब इसमें निवेश करते हैं तो किस तरह का विकल्प आप चुनते हैं? बहुत सारे एम्प्लॉयज जो हैं वो ऑटो चॉइस बाय डिफॉल्ट अपने एम्प्लॉयज के लिए सिलेक्ट करके देते हैं, लेकिन क्या उसमें बदलाव किया जा सकता है? और उससे पहले भी ऑटो चॉइस, एक्टिव चॉइस आखिर होता क्या है? एनपीएस में आपका पैसा कहां जाता है, ये बहुत बड़ा सवाल है। आई थिंक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसा हमने कहा कि एनपीएस के अंदर दो सब अकाउंट्स हैं, टीयर वन टीयर टू। अब जब हम अगर रिटायरमेंट फंड की बात करें तो वहां पे दो ऑप्शन हैं आपके पास, एक है एक्टिव और दूसरा है जैसा आपने कहा लाइफ साइकिल। जहां तक एक्टिव का सवाल है वहां पे चार एसेट क्लासेस हैं बेसिकली, एक इक्विटी है, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है और ऑल्टरनेट। सो ये चार हैं, इसके अंदर
जो लिमिट्स लगाई गई हैं कितना पैसा आप इन्वेस्ट कर सकते हो, जैसे इक्विटी में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहो तो मैक्सिमम जो है 75% हो सकता है, और जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो कॉर्पोरेट है उसमें आप 100% तक जा सकते हो, और जो अल्टरनेट है उसमें मैक्सिमम आप सिर्फ 5% इन्वेस्ट कर सकते हो। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि किस तरह का आप अपना पोर्टफोलियो यहां से बनाते हैं। पहले जो इक्विटी की लिमिट थी वो 50% थी, उसको बढ़ा के अभी 75 कर दिया गया, लेकिन 75 में भी 50 साल की उम्र के बाद ये हर साल 2.5% 2.5% कम होता जाता है, और 60 तक आते आते वो 50 हो जाता है। अब आप किस तरह का पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, कितना रिस्क आप लेना चाहते हैं, उस हिसाब से अपना यहां पे पोर्टफोलियो आप बना सकते हैं। और जो दूसरी आपने बात की वो लाइफ साइकिल की, अगर आप डिसाइड नहीं कर पाते हैं कितना पैसा इक्विटी में, कितना पैसा आप कॉर्पोरेट बॉन्ड या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में लगाएं, तो आप लाइफ साइकिल में जा सकते हैं। उसमें तीन ऑप्शंस हैं, एक एग्रेसिव है, एक मॉडरेट है और एक कंजर्वेटिव है। एग्रेसिव जो है ये तीनों के तीनों, जो मैं लिमिट की बात कर रहा हूं, 35 साल की उम्र तक है, 75% तक इक्विटी में आप जा सकते हैं, और जो मॉडरेट है वो 50%, और जो कंजर्वेटिव है वहां पे 25%, और बाकी जो एलोकेशन है जो दो जो हमने बोला था कॉर्पोरेट बॉन्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में जाता है। तो अगर आप चुनाव नहीं कर सकते हैं तो आप लाइफ साइकिल ऑप्शन में जा सकते हैं। आपने एक सवाल पूछा कि इसको चेंज कर सकते हैं, इसको कभी भी आप चाहें साल में एक बार फाइनेंशियल ईयर में इसको आप चेंज कर सकते हैं। तो काफी फ्लेक्सिबिलिटी है इन टर्म्स ऑफ आप किस तरह का पोर्टफोलियो एनपीएस के द्वारा अपना बनाना चाहते हैं। और राइट, चलिए, वहां बहुत दर्शक अपने सवाल भी छोड़ रहे हैं, और सभी को मेरे ख्याल से जो टैक्स को लेकर पैच है, निवेश करते वक्त और विड्रॉल के वक्त वो समझना है सबसे पहले। तो निवेश करते वक्त आपको कहां कहां टैक्स छूट मिलती है? देखिए, जैसे मैंने कहा, निवेश करते वक्त जो ATC जो हम लिमिट बोलते हैं 1.5 लाख, उसके अंदर एनपीएस भी आता है, तो वो छूट मिलती है। एनपीएस के लिए स्पेसिफिकली 50,000 की छूट दी गई है। तो यानी अगर आप सिर्फ एनपीएस में इन्वेस्टमेंट करते हो तो 2 लाख रुपए तक अगर आप इन्वेस्ट करो तो उसके ऊपर आपको पूरी छूट मिलेगी। तो ये तो हो गया इन्वेस्टमेंट के पॉइंट। ठीक है, जब आप मैच्योरिटी की बात करते हो, जैसे अगर मान लीजिए जैसे आप रिटायर हो रहे हो, अपना पैसा निकालना चाह रहे हो, तो उसमें दो चीजें समझने की जरूरत है। यहाँ पे जो भी आपका कॉर्पस बनेगा उसका 60% जो है वो आप लमसम करके ले सकते हो, और 40% आपको मैंडेटरी जो है एन्यूटी लेना पड़ेगा। तो जो 60% आप जो लेंगे वो पूरा का पूरा टैक्स फ्री है, और जो 40% है क्योंकि वो एन्यूटी में जा रहा है तो वो आपके पास आ नहीं रहा है, लेकिन उसके ऊपर आप टैक्स नहीं दे रहे हो। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, जो एन्यूटी आपको मिलेगी वो टैक्सेबल होगी। तो जैसे मैंने कहा, 60% पैसा जो मिलेगा वो टैक्स फ्री है, ये पहले 40% था, इसको बढ़ा के 60% कर दिया गया है। और जो 40% जहां पे मैंडेटरी जो आप एन्यूटी लेते हैं उसमें जो एन्यूटी आपको मिलेगी वो टैक्सेबल है। ऑलराइट, तो ये एन्यूटी हमें कैसे मिलेगी, जो पेंशन की आप बात कर रहे हैं, जो हमें मिलेगी हमारे 60% निवेश में से, वो किस हिसाब से मिलेगी, उसकी मैं गणना कैसे करूं? देखिए, ऐसा होता है कि कुछ फंड मैनेजर्स हैं, 8 फंड मैनेजर्स हैं, और PFRDA ने कुछ जो एन्यूटी जो देते हैं इंश्योरेंस कंपनी, उनका चुनाव किया गया। उनमें से आप चुन सकते हैं कि किससे लेना चाहते हैं। एक बार आपने चुनाव किया तो उसमें अलग तरह की ऑप्शन होती है। जैसे ये ऑप्शन हो सकती है कि आपकी लाइफ टाइम तक पेंशन मिलेगी, लेकिन अगर आप अगर मान लीजिए कुछ अनफॉर्चुनेट इवेंट होता है तो उसके बाद किसी को नहीं मिलेगा। और उसके बाद ये भी हो सकता है कि आप 100% पैसा जो है डेथ के बाद वापस ले लें, जो आपके जो नॉमिनी है। तो अलग अलग तरह की ऑप्शंस है आपके पास। और ये जो एन्यूटी जो है वो आपको रेगुलर बेसिस पे मिलती है। और जैसा मैंने कहा, सिर्फ प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि इसमें रिटर्न बहुत ज्यादा नहीं मिलता है, और जैसा मैंने पहले कहा उसमें भी एक इशू ये है कि उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ता है। तो मान लीजिए आपको 6-6.5% की अगर एन्यूटी मिल रही है, उसके ऊपर भी अगर आप 10% या 20% का आप टैक्स पे कर रहे हो, तो फिर आप देख सकते हो कि जो पोस्ट टैक्स रिटर्न आपको एन्यूटी से मिलती है वो काफी कम हो जाती है। ऑलराइट, लेकिन यहाँ पर एनपीएस में खाता खुलवाने को लेकर बहुत सारे इश्यूज लोगों को सामने आए हैं, अक्सर जो हमारा एक्सपीरियंस भी रहा है। हम सब जानते हैं कि 8 फंड मैनेजर्स हैं जहां पर आप अपना खाता खुलवा सकते हैं उनके साथ, लेकिन इसका प्रोसीजर क्या है? क्या हम ऑनलाइन एनपीएस का खाता खुलवा सकते हैं? क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमें देने होंगे, और किस तरह से हम अपने फंड की परफॉर्मेंस को ट्रैक कर सकते हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि अकाउंट खोलने के लिए POP जो पॉइंट ऑफ प्रेजेंस है वहां पे आपको जाना है, और उनके सर्विस प्रोवाइडर है, मान लीजिए ये कौन है, ये प्राइवेट सेक्टर बैंक है, ये पब्लिक सेक्टर बैंक है, और बहुत सारी कंपनीज हैं। ये अगर आप एनपीएस ट्रस्ट की साइट पे जाएं तो वहां पे आपको सारे के सारे जो POP है वो आपको मिल जाएंगे, और अपने आप सर्विस प्रोवाइडर को भी अपने एरिया के हिसाब से आप चुन सकते हो। और जहां तक आपने पूछा कि फॉर्मेलिटीज क्या है, तो बेसिकली एक तो क्या होता है, उसके लिए आपको एक परमानेंट जो रिटायरमेंट अकाउंट नंबर मिलता है, उससे पहले आपको प्रूफ ऑफ रेजिडेंस, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको देने हैं। प्रोसेस मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो अकाउंट खोल सकते हैं, और ENPS भी है, अगर आप चाहें तो इलेक्ट्रॉनिक भी आप अपना खाता खोल सकते हैं। जरूरी नहीं कि आपको फिजिकल फॉर्म ही खोलना है। और राइट, चलिए, इस बीच हमारे फेसबुक के दर्शक हैं जो एनपीएस पर सवाल पूछना चाहते हैं, हमारे साथ फोन लाइन पर भी जुड़ गए हैं। रवि कुमार इनका नाम है। रवि, नमस्कार, पूछिए, क्या सवाल है एनपीएस को लेकर? नमस्कार मैम, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच, पूछिए।
मैम मेरा क्वेश्चन ये था कि एनपीएस में डिफरेंट फंड हाउसेज हैं, आप किसी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं जैसे एचडीएफसी, एसबीआई, यूटीआई एटसेट्रा. तो उसमें जैसे म्यूचुअल फंड में रिव्यू परफॉर्मेंस रिव्यू बेस करके फिर आप किसी म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करते हैं, तो इसमें एनपीएस में भी इस टाइप से करना चाहिए या डायरेक्टली किसी में भी कर सकते हैं, हर एक में एक जैसा ही रहेगा? मतलब इंटरेस्टिंग, आप प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय हैं या पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉय हैं? मैं प्राइवेट सेक्टर हूँ मैम. ऑलराइट, बहुत बड़ा सवाल तो मैंने भी आपसे पूछा कि आप अगर एक्टिव चॉइस लेते हैं, खुद सिलेक्शन करते हैं, अगर आप किसी फंड मैनेजर की परफॉर्मेंस से ना खुश हैं तो किस तरह से बदलाव करेंगे? देखिए, पहली बात तो यह है, जब आप देखते हैं कि किसकी परफॉर्मेंस कैसी है तो आपको जो कंपैरिजन करना है वो सही कॉम्बिनेशन से करना है. जैसे कि मान लीजिए आपने इक्विटी में आपने 75% लिया, ठीक है, उसके बाद आपने कुछ बाकी पैसा जो है कॉर्पोरेट या जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में लगा दिया. अब जैसा इन्होंने कहा कि परफॉर्मेंस कहां देख सकते हैं, एनपीएस जो ट्रस्ट है अगर वहां पे उनकी वेबसाइट पे आप जाएं तो सारे के सारे जो फंड मैनेजर्स हैं पब्लिक सेक्टर वाले और प्राइवेट सेक्टर वाले, उनकी परफॉर्मेंस आपको मिल जाएगी, उनकी टॉप होल्डिंग कौन सी है वो मिल जाएगी. तो पहली बात तो आपको जाहिर सी बात है, क्योंकि आप ये जितने भी प्रोडक्ट हैं वो सारे के सारे मार्केट लिंक्ड हैं, तो परफॉर्मेंस देखना तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. और ये जरूरी नहीं है कि आप उनके म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस देखे जाएं, आप ये देखिए कि एनपीएस के अंदर उन्होंने कैसे परफॉर्म किया. और जैसे 3 आई थिंक पीएसयू फंड मैनेजर्स हैं, बाकी जो है वो प्राइवेट सेक्टर में है, तो डेफिनेटली परफॉर्मेंस आपको देखना है. लेकिन इंपॉर्टेंट चीज आपको ये समझनी है कि आपका जो रिटर्न है, एक तो आपने देख लिया कि एक फंड मैनेजर है जिसकी परफॉर्मेंस कंसिस्टेंटली अच्छी है, दूसरा आपका जो कॉम्बिनेशन है वो भी डिसाइड करेगा, क्योंकि एसेट एलोकेशन की हम जो हमेशा बात करते हैं वही मैं यहां पे बात कर रहा हूं, वो डिसाइड करेगा कि किस तरह के रिटर्न आपको एनपीएस से मिलेंगे. ऑलराइट, हम आपके स्क्रीन पे कुछ एनपीएस के रिटर्न भी फ्लैश कर रहे हैं जो अलग अलग स्कीम्स हैं. अगर हम सबसे पहली स्कीम पे ध्यान दें तो 50% अगर आपने इक्विटी का ऑप्शन चुना हुआ है तो यहां पर सबसे आगे 1 साल और 5 साल का रिटर्न की हम तुलना कर रहे हैं. एचडीएफसी पेंशन फंड देखिए 13% दिया है, वही 5 साल में जो है लगभग 9.5% के आसपास का रिटर्न है हेमंत जी. और वही एलआईसी पेंशन फंड ने 1 साल में 11% दिया है, 5 साल में इनका रिटर्न घट के लगभग 8.5% का हो गया है. इसी तरह हमने अगर आपने इक्विटी में 33% का निवेश किया हुआ है, और अगर आपने इक्विटी चुना ही नहीं, अगर आपने अल्ट्रा सेफ ऑप्शन का चुनाव किया है तो कौन कौन से फंड मैनेजर्स ने परफॉर्म किया है, किस तरह से, उसकी लिस्ट हमने पेश की है. लेकिन क्यों हमने 5 साल में रिटर्न में कमी देखी और जबकि 1 साल में आप देखिए बम्पर रिटर्न कमाई दिखाई दे रही है? अधिक उसके 2-3 कारण है. अगर हम इक्विटी की बात करें तो जो इन्वेस्टमेंट इक्विटी में एनपीएस में होती है वो ज्यादातर पैसा जो है वो लार्ज कैप स्टॉक में जाता है. हमने देखा कि मार्केट में काफी पोलराइजेशन रहा है और जो परफॉर्मेंस है वो सिर्फ लार्ज कैप ने की है, और उसके अंदर भी नॉर्मली जो स्क्रिप्ट रहते हैं इसके अंदर वो इंडेक्स बेस्ड रहते हैं. और क्योंकि हमने देखा कि पोलराइजेशन थी और इन स्टॉक्स ने अच्छा किया है, तो पहली बात तो वो 1 साल की जो रिटर्न देख रहे हैं उसका कारण यह है. और क्योंकि पिछले 2 साल में करीब मार्केट ने अच्छा रिटर्न नहीं दिया तो उसका असर सीधा 5 साल के रिटर्न में पड़ रहा है. अगर हम कॉर्पोरेट बॉन्ड या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की भी बात करें, वहां पे क्या हुआ, देखिए इंटरेस्ट रेट नीचे आए हैं और क्योंकि इन्वर्स रिलेशनशिप रहता है इंटरेस्ट रेट और बॉन्ड प्राइसेस में, जब इंटरेस्ट रेट नीचे आते हैं तो बॉन्ड प्राइसेस ऊपर जाते हैं, उसका फायदा जो है जो भी इन्वेस्टमेंट आपने कॉर्पोरेट बॉन्ड या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में किया है वो मिल रहा है. तो आप देख सकते हैं कि इनफैक्ट तीनों एसेट क्लासेस का परफॉर्मेंस जो है काफी अच्छा रहा है. लेकिन ये साइकिल जब बदलेगी, अगर मान लीजिए इंटरेस्ट रेट नीचे नहीं जाएंगे या फिर ऊपर जाना शुरू करेंगे, तो डेफिनेटली उसमें बदलाव होगा. और ये फ्लेक्सिबिलिटी एनपीएस में है, आप मदद लेके भी कर सकते हैं, आप खुद से कर सकते हैं. अगर आप कहीं लगे आपको थोड़ा चेंज करने की जरूरत है तो आप कर सकते हैं, लेकिन बार बार चेंज करने का मतलब नहीं है. कहीं ना कहीं आपको अपना रिस्क प्रोफाइल देखना है और उसके हिसाब से चुनना है कि कितना एलोकेशन मुझे डिफरेंट एसेट क्लासेस में करना है. ऑलराइट, तो चलिए एनपीएस की पाठशाला जर्मनी पर लगी हुई है और हमारे पास फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का. ब्रेक के उस पार दर्शकों के और सवालों के जवाब, बने रहे. जर्मनी पे लगी है एनपीएस की पाठशाला और हम दे रहे हैं आपके एनपीएस से जुड़े तमाम सवालों के जवाब. हमारे दर्शक महेश कुमार फोन लाइन पर हमारे साथ हैं. नमस्कार महेश जी, पूछिए एनपीएस को लेके क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैडम जी. मैडम मैं ये जानना चाह रहा था, मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ और मैं जहां तक मैं देखता हूँ जैसे कि किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉई की मौत हो जाती है तो जो गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन होता है और जो एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन होता है तो वो, ये मैंने सुना है कि वो जो है गवर्नमेंट जो है जब्त कर लेती है अगर रिटायरमेंट से पहले अगर डेथ हो जाती है एम्प्लॉय की. तो ऐसा कुछ है मैडम? ऑलराइट, यहाँ पर जानना बहुत जरूरी है कि जब भी आप एनपीएस में निवेश की प्रक्रिया शुरू करते हैं तो आपको एक नॉमिनी लिस्ट करना होता है जो क्लियरली किसी अनहोनी होने पर आपका जो पूरा पैसा है वो आपके नॉमिनी को दिया जाता है. जी बिल्कुल इंपॉर्टेंट है. देखिए एनपीएस के अंदर क्या होता है, एक तो आप एक ही अकाउंट खोल सकते हैं राइट, और आप इंडिविजुअल नाम पे सिंगल नाम पे खोल सकते हैं,
और इसके लिए नॉमिनी की फैसिलिटी है. वो नॉमिनी जो है वो एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है. अगर एक से ज्यादा है तो आपको एलोकेट करना पड़ेगा कितना पैसा है. अगर कोई ऐसा अनफॉर्चुनेट इवेंट होता है जहां पे डेथ होती है सब्सक्राइबर की, तो जो पैसा है वो नॉमिनीज को मिलता है. जब्त होने का कोई सवाल नहीं पैदा होता. उसके रूल्स एकदम क्लियर है कि जो पैसा जो है डेथ होने के बाद वो नॉमिनीज को मिलता है. चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल हम लेंगे अगले दर्शक ऋषिकेश का. और इनका सवाल यह है कि अगर आपके एम्प्लॉयर ने आपको छूट दे रखी है या आपके एम्प्लॉयर ने अगर निवेश किया हुआ है एनपीएस में, तो आपको किस तरह से 10% बेसिक का फायदा मिलता है, टैक्स फ्री जो 10% का अमाउंट है उसका फायदा मिलता है. देखिए, जो हमने बात की थी पहले, टैक्स की छूट मिलती है 1.5 लाख रुपए की और 50,000 की अलग है. लेकिन जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय जो मॉडल है उसमें अगर आप एम्प्लॉयर अगर कंट्रीब्यूट करते हैं तो वो जो कंट्रीब्यूशन है उनका वो अपनी इनकम में से आप घटा सकते हैं टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. तो ये जो बेनिफिट है वो ओवर एंड अबव है जो 1.5 लाख का. तो क्लियरली अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करते हैं तो उसका फायदा डेफिनेटली दूसरे जो कंपैरिजन में अगर करें तो ज्यादा होता है. विकास सैगल का सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है. पूछ रहे हैं अगर किसी को म्यूचुअल फंड या एनपीएस में इन्वेस्ट करना है तो किस तरह से निवेश करना चाहिए. देखिए, दोनों अलग ऑप्शन हैं क्लियरली. जैसे हमने बात की एनपीएस की, हमने काफी बात की कि क्या क्या उसके प्रोज हैं डाल इन्वेस्ट करने के लिए. लेकिन एक दो इश्यू जो है अगर मैं इसको कंपेयर करूं, एक तो सबसे बड़ी इश्यू यहां पे यह है कि अगर आप थोड़े एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, यंग हैं, बहुत ज्यादा पैसा अगर इक्विटी में लगाना चाहते हैं तो यहां पे लिमिटेशन है. दूसरी प्रॉब्लम इसके अंदर यह है कि जो 40% पैसा जो मैंडेटरी जो एन्युटी में जाता है उससे कहीं ना कहीं आपकी रिटायरमेंट के बाद फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है और आपके रिटर्न कम होते हैं. म्यूचुअल फंड की अगर आप बात करें तो वो टैक्स बेनिफिट जो हमने बात की अगर आप ईएलएसएस में भी डालते हैं तो 1.5 लाख का जो बेनिफिट है वो मिलेगा आपको. लेकिन जो एडिशनल बेनिफिट है 50,000 रुपए का वो वहां पर नहीं मिलेगा. लेकिन मुझे लगता है वहां पर फैसिलिटी बहुत ज्यादा है. एक कॉन्सेप्ट होता है सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान. एक समय के बाद अगर आप चाहें तो हर महीने पैसा वहां से ऑटोमेटिकली निकाल सकते हैं. तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं सिर्फ टैक्स बेनिफिट के लिए 50,000 के लिए अगर आप एनपीएस में इन्वेस्ट करें तो वो शायद सही डिसीजन नहीं होगा. फ्लेक्सिबिलिटी की बात करूं तो मुझे लगता है म्यूचुअल फंड में फ्लेक्सिबिलिटी डेफिनेटली इससे ज्यादा. टियर टू अकाउंट के बारे में लोग बहुत सवाल पूछ रहे हैं. पूछ रहे हैं कि क्या अगर उसमें निवेश करते हैं तो कोई टैक्स छूट मिलती है, और साथ ही किस तरह की कमाई अगर आप टियर टू अकाउंट खोलते हैं तो आपको होगी. देखिए, जैसे मैंने पहले कहा था टियर टू जो है एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट है. जाहिर सी बात है, जैसे पहले हमने कहा था कि उसके लिए टियर वन अकाउंट होना जरूरी है. जहां तक टैक्स छूट का सवाल है, ये सिर्फ जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं उनको उसमें कंट्रीब्यूट करने में अगर वो 3 साल का लॉक इन रखते हैं तब जो है वो एटीसी के अंदर जो छूट आती है वो मिलती है. लेकिन प्राइवेट या जो हमने ऑल सिटीजन मॉडल कहा था उसके अंदर भी छूट नहीं है. रिटर्न डिपेंड करेगा किस तरह का कॉम्बिनेशन आप अपने टियर टू अकाउंट में रखते हैं. ऑलराइट, रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद बताएंगे क्या एनआरआईज एनपीएस में निवेश कर सकते हैं. अगर एनआरआईज रिटायरमेंट के वक्त भारत आना चाहते हैं, रिटायरमेंट की रणनीति के लिए अभी से निवेश करना चाहते हैं तो क्या एनपीएस निवेश का विकल्प हो सकता है, बताएंगे आपको ब्रेक के बाद. चलिए, योर मनी पर आज हम कर रहे हैं एनपीएस पर बात, और अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं. एनआरआई दर्शक बहुत ज्यादा एनपीएस को लेकर सवाल पूछते हैं. साफ तौर से जितने भी एनआरआई अब देश के बाहर काम कर रहे हैं बहुत रिटायरमेंट के वक्त भारत आके अपनी जिंदगी यहां बिताना चाहते हैं. अब ऐसे में रिटायरमेंट की प्लानिंग उन्हें अभी से करनी होगी. एनपीएस रिटायरमेंट का एक टूल है तो क्या उसमें वो निवेश कर सकते हैं. जी बिल्कुल, जैसा आपने बिल्कुल ठीक कहा, काफी सारे ऑप्शन हैं रिटायरमेंट के लिए एनआरआई के पास. बट अगर वो चाहें एनपीएस में इन्वेस्ट करना चाहें तो डेफिनेटली उनको अलाउड है कि वो एनपीएस के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं. जैसे बाकी सब लोग जो रेजिडेंट से इन्वेस्ट कर सकते हैं वैसे नॉन रेजिडेंट भी एनपीएस के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं. किस तरह खाता उनको खोलना पड़ेगा. जी किस तरह खाता उनको खोलना पड़ेगा. जैसे मैंने कहा, जो भी ऑप्शन है, ई एनपीएस भी है आपके पास ऑप्शन, तो उसमें कोई आई थिंक जहां तक अकाउंट खोलने का सवाल है प्रोसेस बिल्कुल सेम है. ओके ऑलराइट. लेकिन अब अगर आपके पास एक एनपीएस खाता है, और जैसा कि दर्शक भी लगातार पूछ रहे हैं हेमंत जी कि अगर वो किसी फंड मैनेजर के साथ खुश नहीं है, अगर उन्हें बदलाव करने हैं अपने पेंशन फंड मैनेजर में, तो क्या ये स्विच किया जा सकता है, क्या इस तरह की कोई सुविधा है, या हमें अपना खाता अगर मसलन मान लीजिए एचडीएफसी में हमने खोला हुआ है, आईसीआईसीआई में शिफ्ट होना है, एलआईसी में शिफ्ट होना है, तो बाद में एक जगह बंद करवा के फिर से नई पूरी प्रक्रिया अकाउंट ओपनिंग के लिए करनी होगी. नहीं, आई थिंक जैसे हमने पहले बात कि एनपीएस के काफी सारे फायदे हैं, और एक इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज हमने कहा था कि फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है इसके अंदर. तो हर साल एक फाइनेंशियल ईयर में अगर आप चाहें तो जैसे मैंने पहले भी कहा था कि अपनी जो एलोकेशन है डिफरेंट एसेट क्लासेस को वो आप चेंज कर सकते हो. अगर आप किसी फंड मैनेजर की परफॉर्मेंस से खुश नहीं है तो वो भी आप बदलाव कर सकते हो. हर फाइनेंशियल ईयर में एक बार आप ये कर सकते हो. अगर आप चाहें जो पॉइंट ऑफ प्रेजेंस या जो सर्विस प्रोवाइडर उसको भी अगर आप चेंज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं. लेकिन इनफैक्ट मैं एक चीज बता दूं यहां पे, एक और इंपॉर्टेंट चीज है एनपीएस के साथ कि आप भारत में कहीं भी चले जाएं
तो आपको एक्चुअली चेंज करने की भी जरूरत नहीं है, आप कहीं से भी जाके ऑपरेट कर सकते हो पहली बात। अच्छा, अगर आप मान लीजिए बॉम्बे में कहीं फिर आप कहीं और चले जाते हो तो वहां से भी ऑपरेट कर सकते हो, उसमें कुछ भी आपको बदलाव करने की जरूरत नहीं। दूसरी बात, अगर आप मान लीजिए कहीं प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉई है और फिर से अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन जाते हैं तो भी आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। वहां से फिर अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड बन जाते हैं तब भी आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। आप कुछ भी चेंज करें, अपना अपना जो जॉब है आपकी, उसके बावजूद आपको वही एनपीएस जो अकाउंट है उसको आप ऑपरेट कर सकते हैं। और राइट, बहुत दर्शक पूछना चाह रहे हैं कि अगर नॉमिनी में हमें बदलाव करने हो तो हमें कैसे कर लेने चाहिए, साथ ही अगर कोई सरकारी कर्मचारी है तो क्या उनके लिए एनपीएस में रहना मैंडेटरी हो जाता है? हाँ जी बिल्कुल, ये देखिए 2004 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, उसके बाद अगर आपने ज्वाइन किया तो आपके लिए मैंडेटरी है। पहली बात, नॉमिनेशन की हमने पहले बात की, फैसिलिटी है, अगर आप चाहें तो कभी भी अपने नॉमिनेशन को जो है बदल सकते हैं। छोटा सा एक चार्ज लगता है एक्चुअली, स्टार्टिंग में जो आप करते हो तो उसमें नहीं है, शायद 20 रुपए का कुछ चार्ज है अगर आप नॉमिनी को चेंज करना चाहें तो, लेकिन ये फैसिलिटी आपके पास है, आप कभी भी चाहें नॉमिनी को चेंज कर सकते हैं। एनपीएस में किस उम्र तक हम निवेश कर सकते हैं? अगर हमें मान लीजिए 60 की उम्र में अपने पैसे नहीं विड्रॉ करने तो क्या मैं इसमें निवेशित रह सकती हूं? क्या मैं 65 की उम्र में अगर मुझे पैसे निकालने हो तब निकाल सकती हूं? जी बिल्कुल, देखिए ये जो पहले जो एज थी वो 18 to 60 थी, उसको बढ़ा के अभी 65 कर दिया गया। पहली बात। दूसरी बात, अगर आप चाहें कि आपको लमसम पैसा नहीं चाहिए तो आप 70 इयर्स की एज तक उसको रख सकते हैं, ठीक है, कभी भी चाहें आप। लेकिन वो जब 60 में पहुंचे आप तो उससे 15 दिन पहले एटलीस्ट आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि आप उसको कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो वो आप कंटिन्यू कर सकते हो, उसमें उतनी फ्लेक्सिबिलिटी आपके पास है। ऑलराइट, देखिए रिटायरमेंट का टूल है, इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट है एनपीएस, इसीलिए इसमें लॉक इन है 60 साल का, लेकिन क्या उससे पहले किसी भी उम्र में मैं पैसे निकाल सकती हूं निवेश करने के कुछ सालों के बाद? क्या किसी वजह से अगर मुझे पैसे निकालने हो तो कोई प्रावधान है? देखिए डेफिनेटली प्रावधान है, आप पैसे निकाल सकते हो, लेकिन वहां पे कुछ कंडीशंस हैं किस कंडीशन में आप कर सकते हो। दूसरी बात इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आप मैच्योरिटी से पहले पैसा निकालते हो तो आपको 80% के ऊपर एन्युटी लेना पड़ेगा और आपके हाथ में सिर्फ 20% आएगा, चाहे वो किसी भी उम्र में, आप 60 से पहले किसी भी उम्र में निकालें। जी बिल्कुल, वो जो रूल है 60% रखने का 60 तक, वो आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। उससे पहले अगर आप निकालते हो तो 80% आपको एन्युटी मिलेगी और 20% पैसा आपको वापस मिलेगा। ऑलराइट, चलिए तो एनपीएस पर पाठशाला की है आज योर मनी ने, बहुत सारे लोगों ने अपने सवाल पूछे, उम्मीद करते हैं कि आपके सवालों के जवाब आपको मिल गए हो, लेकिन जो सवाल हम शामिल नहीं कर पाए हैं वो आगे चल के इस तरह की पेशकश हम लेकर आते रहेंगे और उसमें आपके सवालों का जवाब देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हेमंत जी आज शो पे आने के लिए, लेकिन योर मनी पर एनपीएस से जुड़े सवाल लगातार पूछते रहिए, ट्वीट करें, ईमेल करें, कॉन्टैक्ट नंबर जरूर डालें। नमस्कार।